नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सभी ज्ञान सीखते रहो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी मोबाइल के फॉन्ट को अलग अलग कलर में कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे भी पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे में इस तरह का लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई वीडियो डालते रहता हूं जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। और साथ ही घंटी का आइकन आएगा उसको भी आप दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज दिन मिलता रहे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। और जो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी मोबाइल के फॉन्ट को अलग अलग कलर में कैसे बदलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फ़ोन का जो फॉन्ट है वो देख सकते हैं आप, इस तरह से है, बिल्कुल यही कलर का है। अब मैं आपको अपने मोबाइल के फॉन्ट को अलग अलग कलर में करके आपको हम दिखा देते हैं। तो सेम इसी तरह से आप भी किसी मोबाइल के फॉन्ट को अलग अलग कलर में कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो फॉन्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कोई सा फॉन्ट अलग अलग कलर का फॉन्ट नहीं है। और जब हम एक ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि अलग अलग कलर का फॉन्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, वो ऐप को हम इंस्टॉल करते हैं और वो ऐप का लिंक हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप बहुत ही आसानी से उस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए हम सबसे पहले उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से करके आपको दिखा देते हैं। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको सर्च बार में टाइप करना होगा ये ऐप्स का नेम, कलर फॉन्ट फॉर फ्लिप फॉन्ट H1। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने पहले टाइप करके सर्च किए थे तो हम इसी को सर्च बार में डाल के सर्च कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, ये ऐप फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। फ्रेंड्स, अब हम इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देख लीजिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस ऐप को 100,000 लोगों ने डाउनलोड किए हैं और 4.1 की रेटिंग है जो कि काफ़ी बढ़िया रेटिंग मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 8.80 MB का एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, इस ऐप का स्क्रीनशॉट देख लीजिए इस तरह से है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि किस तरह का फॉन्ट हो चुका है, ग्रीन का है और भी कई कलर में। तो इसी तरह से आप भी अपने मोबाइल के फॉन्ट को कलर को बदल सकते हैं। तो बस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल पर, तो बस आप देखते रहिए। अब हम इस ऐप को ओपन अभी नहीं करेंगे, पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारे फ़ोन में बहुत सारे कलर फॉन्ट आया है या नहीं। तो देख लेते हैं हम अपना पहले सेटिंग को ओपन करके। तो हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और फिर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक कर लेते हैं और फिर फॉन्ट पे क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जहाँ पे पहले कोई सा कलर फॉन्ट नहीं था तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कलर फॉन्ट आ चुका है। अब हम अपने मोबाइल के फॉन्ट के कलर को आराम से बदल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। बस हमें जो भी कलर फॉन्ट लगाना है बस उस पर हमें एक क्लिक करना होगा और आप देख सकते हैं इस तरह का हो जाएगा जब हम यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो कर दिए हैं और देख लेते हैं बदल, आप देख सकते हैं यहाँ पे बदल चुका है मेरे फ़ोन का फॉन्ट अलग कलर में। तो इस तरह से आप दूसरे कलर में भी कर सकते हैं। देख लीजिए अभी इस पर अगर जो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो मेरे मोबाइल का फॉन्ट ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो देख लीजिए ग्रीन हो जाता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ग्रीन हो चुका है, कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर जो कोई देखेगा तो एक बार चौंक जाएगा कि इस तरह से कैसे करते हो भाई। तो फ्रेंड्स, और भी आपको कलर यहाँ पे मिल जाएगा, आपको जो भी कलर आपको करना होगा फॉन्ट के लिए बस अप्लाई पे उस पे टच करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये इस तरह का कलर हो चुका है, और भी कलर आपको बहुत सारे मिल जाएगा, इस तरह का भी आप कर सकते हैं अप्लाई पे क्लिक करने के बाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी मोबाइल के फॉन्ट को अलग कलर में कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और भी बताता हूँ कि अगर जो आपको ये कलर का फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है, अगर जो आप चाहते हैं कि हमें जो पहले वाला जो फॉन्ट का कलर था वही करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो फ्रेंड्स, आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का जो ऑप्शन है बस इस पर क्लिक कर देना होगा और आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा। तो देख लीजिए मैं कर देता हूँ
और कर देने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो मेरा पहले जो था जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का कलर वही कलर फिर से आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी मोबाइल के फॉन्ट को अलग अलग कलर में बदल सकते हैं और आप चाहे तो बस जो पहले आपके फॉन्ट का कलर था वो भी आप कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पे क्लिक करके। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स से फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी अपने मोबाइल के फॉन्ट को कलर बदलने का तरीका आ जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ दिन देखिए नई नई वीडियो, रोज़ दिन सीखिए नई नई ज्ञान। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय।